हर खबर की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज चैनल को। घंटे का बटन दबाकर पाएं सबसे तेज समाचार आपके मोबाइल पर। अब सेंसा तो उनका परिवार है, नेहरू जी थे, इंदिरा जी आई, राजीव भैया आए, सोनिया दीदी आई, राहुल गांधी आए, अब प्रियंका जी। अब आपको मैं बताता हूँ क्यों लाए हैं प्रियंका जी को, मालूम है आप लोग? मैं आज एक रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ। सोनिया जी का बेटा कौन? राहुल जी। अब राहुल जी का बेटा है कोई या बेटी है कोई? नहीं है। वो हारने के बाद कांग्रेस किसी के हाथ में नहीं चली जाए, दीदी को ले आओ, भैया प्रियंका जी को। ये राजनीति है, कांग्रेस भारत में विपक्ष की लड़ाई लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी देश सेवा की। एक भी पार्टी ऐसी नहीं जो 543 सीटों पर लड़ रही हो। जरा पता करिए ना कांग्रेस कितने पे लड़ रही है। 50 से नीचे सीटों पर सब पार्टियां लड़ रही है, बसपा, सपा, वो क्या फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी, महबूबा जी की पार्टी, नायडू जी की पार्टी, तेलंगाना में चंद्रशेखर की पार्टी, जगन रेड्डी की पार्टी, सब राजद की, अपने लालू जी की पार्टी या अपने जनता दल, बीजू जनता दल के लोग सब 40, ममता बनर्जी 42 सीटों पर लड़ रही है। वो क्या कह रही है? सरकार बनाएंगे। हमने कभी नहीं सुना था कि 42-50 सीट न लड़ो और उसके बाद 272 प्राप्त कर लेंगे। ये इसलिए अपने अपने इलाके में कुछ भी करें ये, लेकिन एक में भी सामर्थ्य नहीं है। कांग्रेस भी विपक्ष की लड़ाई लड़ रही है और ये पहली लड़ाई है जब जन जन में आपका ये चैनल लेके जब आप जाते हो, मैं सब इंटरव्यू देखता रहता हूँ। आज भी जब आ रहा था तो एयरपोर्ट पे देख रहा था, आप किसको वोट देंगे? अरे साहब, वी वांट नरेंद्र मोदी। आप किसको? सर, देश सुरक्षित है, देश कह रहा है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन अब वो फेस रीडिंग करते हैं, उनको सिकुड़ना खेलना यही दिखता है। अब ऐसी बातें कौन करता है? अब वो नाराज हो जाते हैं जब कोई पप्पू कहता है। तो ऐसी बातें घर में मुन्ना पप्पू टिल्लू मिन्न वही बोलते बातें करते हैं। अब देखिए, अपने गांव में बोलते हैं कि जेब में मतलब घर में नहीं दाने। सरकार में आ रहे हैं क्या? देश की जनता के विवेक की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। देश की जनता बहुत विवेकशील, वो जानती है ये आएंगे नहीं और जबरदस्ती की नाटकबाजी कर रहे हैं। गरीबी हटी क्या? 1971 में इंदिरा जी ने कहा था, हटी क्या? इसलिए बातें वैसी करना चाहिए और जनता के गले उतरे। आज दिग्विजय सिंह ने भोपाल में पैदल यात्रा शुरू की है, पूरी विधानसभा में पैदल जाएंगे। वो हेलीकॉप्टर से जाएं, हमें क्या लेने देना? जब आदमी को लगता है कि अब हम हार रहे हैं तो किसको बुलाते हैं? वो सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी क्या बोलता है? क्या बोला उन्होंने, सुना ना आप लोगों ने? हिंदू हिंसक होता है, रामायण और महाभारत में हिंसा की बातें कही गई। अब जीव सीताराम जी के पिताजी ने कितनी गलती की, उनका नाम सीताराम रख दिया। येचुरी जी को समझना चाहिए कि उनके पिताजी कितने विवेकशील थे कि उनका नाम सीताराम रखा। आदर का भाव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां जानकी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, मां भी प्रकट हुई थी पृथ्वी से और भगवान भी यज्ञ से प्रकट हुए थे और इसलिए यह गीत प्रार्थना बनिया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसलिए सीताराम जी बोल गए कि हिंदू ये सब उल्टे सीधे लोग बुला रहे हैं, बुलाते रहे, जिसके देश में कोई वजूद नहीं है, जो संगठन खत्म हो गया सीपीएम सीपीआई, उन नेताओं को बुलाकर गाली गलौज करवा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने, देखिए दिग्विजय सिंह जी हमेशा साध्वी से मात खाते हैं। इसी टीकमगढ़ की बेटी साध्वी उमाश्री भारती ने 2003 में 10 साल के सत्ताधारी दिग्विजय सिंह को किसने उतारा था? साध्वी जी ने। और फिर साध्वी आती है 15 साल बाद, संसद में नहीं जा पाएंगे इनके, साध्वी इनके लिए पूरी तरह से क्या है, इसलिए उनको समझना चाहिए। वो तो सोचे थे कोई लड़ेगा, अब गिर गए। अब उनसे पूछे, कहते मैं भोपाल में मंदिर बनाऊंगा। हमने कहा कि राम मंदिर में क्या सहयोग करोगे, वहां समर्थन कर दो कि अयोध्या में राम मंदिर बना? नहीं, वो नहीं बोलेंगे साहब।
इसलिए दिग्विजय सिंह जी अपने उम्र के इस पड़ाव पर एक गलत निर्णय ले गए। संविधान में रोक लगा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब देखिए, मेरे को आप चोर कहे तो मैं कैसे रोक दूंगा आपको? जिसकी जैसी भावना रहती है, जो जिस तरह का रहता है उसी बात करता है। मैंने पहले अभी आपके आने से पहले कहा, घर में नाम रखोगे मुन्ना, पप्पू, टिल्लू, लल्लू, तो वो कितना भी बड़ा हो जाए तो उसकी भावना कम से कम वही रहती है। तो पप्पू को आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए हो, तो हो रहा है जो हो रहा है, क्या करे उसके लिए।